सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी तक किया था इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 हमको स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज द अबव पॉलिनोमियल। अब देखो, ध्यान से देखो, अगर आप लोग को क्लास 8 में याद होगा तो मैं ऑलरेडी आप लोग को क्लास 8 में एक मेथड बताया था, जिस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की लगभग 3 एक्सरसाइज आपने कॉर्डोवा में 8th क्लास में सॉल्व किया हुआ है। तब भी मैं यहाँ पर पूरा बेसिक से सिखाऊंगा आपको वापस से कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 12x² - 7x + 1। चल, क्वेश्चन दिया हुआ है 12x² - 7x + 1। अब इसको हमको फैक्टराइज करने उसने बोला है, ठीक। तो अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कभी भी याद रखना, अगर पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो आपको उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप है, अच्छा बिफोर डैट थोड़ा सा बेसिक हम कवर कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जो ये एक्स स्क्वायर का ये जो कोफिशियंट है, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका जो कोफिशियंट है इसको हम लीडिंग कोफिशियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, लीडिंग कोएफिशियंट, राइट। और यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 को हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट, इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट, राइट। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लीडिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। अब लीडिंग कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट है आपका 12, लीडिंग कोफिशिएंट है आपका 12 इंटू कांस्टेंट है आपका 1, तो 12 1 सा हो गया आपका कितना, 12, राइट। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में इस 12 के आप फैक्टर निकालोगे। फैक्टर का मतलब ये 12 आप कैसे कैसे बना सकते हो, तो 12 हम कैसे कैसे बना पाएंगे, एक बना सकते हैं 3 4 12, एक बना सकते हैं 2 6 12, और एक हम बना सकते हैं 12 1 12, राइट। इस टाइप से हम 12 को लिख सकते हैं कि 3 4 12 होता है, 2 6 12 होता है, 12 1 12 होता है। अब देखो 2 6 या 6 2 जा, 3 4 या 4 3 जा, 12 1 या 1 12 जा, एक ही बात है। तो वाइज वर्सा हम नहीं लिखेंगे, बस हम ये हमारे 3 फैक्टर इस नंबर के लिए निकल, ठीक। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको मिडिल टर्म देखना है कि आपका मिडिल टर्म क्या है। तो मिडिल टर्म हमारा क्या है, हम साइन के साथ देखेंगे, तो मिडिल टर्म हमारा यहाँ पर दिख रहा है -7, राइट। मिडिल टर्म हमको क्या दिख रहा है, -7। अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस और माइनस करके हम यहाँ पर ये मिडिल टर्म ला सकें, जो कि है हमारा -7। तो अब तुम बताओ इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको देख के या इसको प्लस या माइनस करके हम ये बता सकें कि वो -7 आ सके, बताओ। 3 और 4 से हम 7 बना सकते हैं क्या, तो ठीक है 4 + 3 = 7 होता है, हमको यहाँ -7 चाहिए, तो क्या मैं इसको -4 और -3 बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं साइन अपने हिसाब से जो भी ले सकते हो आप कन्वीनियंटली, बस ध्यान एक चीज़ रखना है कि जो मिडिल टर्म है वो ही हमको बनाना है। तो देखो 3 और 4 से बन सकता है, 3 + 4 = 7 होता है, लेकिन क्योंकि अब -7 बनाना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा -4 - 3, तो इट विल बिकम -7, -+ तो -7, राइट। तो ठीक है, हमारा फर्स्ट फैक्टर को अगर हम सेलेक्ट करें तो फर्स्ट फैक्टर से हमारा ये -7 बन रहा है। सेकेंड से चेक करो 6 + 2, तो ये तो 8 हो जाएगा, या 6 - 2 या प्लस या माइनस करके इससे नहीं बन सकता, तो ये तो नहीं होगा। अगेन 12 और 1 से भी हम कभी भी -7 नहीं बना पाएंगे, तो ये हमारा मिला। तो चलो इसको चेक करते हैं, मिडिल टर्म बनाने के लिए हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 3 और 4 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे -3 और -4, या -4 और -3, या तो आप -4 - 3 लिखो या -3 - 4 लिखो, बात एक ही है, ठीक। तो चलो बनाते हैं, सॉरी, हाँ
तो अब आपका है क्वेश्चन दिया हुआ था 12x² -7x +1। अब हमको ये मिडिल टर्म -7x को स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे? तो -7x की जगह मेरे को ये -3 -4 चाहिए, तो इसको मैं लिख दूंगा -3x -4x। ठीक, तो ये जो मिडिल टर्म है -7x, इसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया -3x -4x +1 एज इट इज। राइट, अब क्या करेंगे? अब ध्यान दो, अब हम पेयर बनाएंगे। अब हम पेयर बना लेते हैं। पहले हमको क्या करना होगा? पहले हमको ये दोनों टर्म से, ये जो पहले के दो टर्म है, इसमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है। मिडिल वाली साइन को एज इट इज छोड़ दोगे और फिर इन दोनों में से हमको पेयर निकालना है। यानी क्या करना है? सबसे पहला देखो, 12x² -3x। अब अगर मुझे इससे कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है तो मैं क्या बाहर निकालूंगा? 12 और 3 में क्या कॉमन फैक्टर बाहर आएगा? 3 आएगा ऑब्वियसली। 12x² -3x में 3 कॉमन आएगा। और क्या x² और x में से x भी कॉमन हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ, 3 कितने जा 12, 4 जा, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 3x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 4x -1। अगेन ये वाली साइन, मिडिल वाली जो साइन है आपकी, ये एज इट इज यहाँ आएगी। इसको एज इट इज माइनस साइन में लिख देता हूँ। अब ये दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो देखो 4x और 1 में क्या कोई कॉमन, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है हमें? वहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम कॉमन लेते हैं 1। ये वाला जो माइनस साइन है, ये मिडिल वाला साइन है, ठीक है? तो उसको आप लोग याद रखना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया 1। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, ये दोनों की साइन बदल जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 4x। अगेन देखो, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस था तो ये माइनस प्लस -4x हो गया, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब ध्यान से देखो इसको, अब इसमें ये 4x -1, 4x -1 दोनों में सेम टर्म है, तो हम क्या करेंगे? 4x -1 को कॉमन ले लेंगे। ये 4x -1 को कॉमन ले लिया, यानी कि बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा? 3x -1। तो दिस मस्ट बी योर आंसर, राइट? हमें क्या करने बोला था? फैक्टराइज करने बोला था। तो फैक्टराइज में बस आप यहीं तक, यही स्टेप तक आप फैक्टराइज करोगे। ठीक, एक बार इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, एक एक चीज़ लिख लेना, जो जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखवाई है, बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के जितने प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चन, उतने प्रैक्टिस करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 10th में भी यही चीज़ कैरी फॉरवर्ड होती है। चलो, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, तो इसके क्वेश्चंस हम करेंगे ऑलमोस्ट, एक मिनट। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे, इसी का सेकेंड भी बना लेते हैं। कोशिश करना कि पहले आप बना के, वीडियो को पॉज करके पहले आप बना के देख लो। ठीक, चलो करेंगे। क्या लिखा हुआ है? फोर्थ का सेकेंड, 2x² प्लस 7x प्लस 3। नो, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो चलो कैसे बनाएंगे इसको भी। अगेन सबसे पहला स्टेप में क्या बोला था? कि लीडिंग कोफिशियंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। करो जरा मल्टीप्लाई। लीडिंग कोफिशियंट इस केस में क्या है? 2, और कांस्टेंट क्या है? 3। तो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा, क्या हो गया हमारा? 6। अब सेकेंड स्टेप में 6 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए बताओ? 6 के फैक्टर हो गए आपके 2 3 6 और 6 1 6, बस दो ही फैक्टर आएंगे। थर्ड स्टेप में हमको मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म में हमारा प्लस 7x, तो कौन सा फैक्टर सेलेक्ट करेंगे? 3 और 2 से 7 बना नहीं पाएंगे, तो हमको 6 और 1 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर प्लस 7x है, प्लस 7x है, तो प्लस 7x बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, राइट? तो अब इसी के हेल्प से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं इस इक्वेशन में। क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पर अब ब्रेक करो, 7x के जगह हम स्प्लिट करेंगे क्या? प्लस 6x प्लस 1x, राइट? क्योंकि 6 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3।
राइट। अब क्या करोगे इसमें से 2x को कॉमन, देखो अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इसमें हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है, ठीक है। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, 2 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर में से x गया, x बचेगा, प्लस अगेन 2 कितने से 6, 2 3 से 6, और x तो कॉमन चला गया तो x हट जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 3। अगेन ये मिडिल साइन एज इट इज प्लस की आप यहाँ पर लगा दो। अब बताओ यहाँ पर कोई फैक्टर है कॉमन, कोई भी कॉमन फैक्टर है इस टर्म में, नहीं है। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर वन एज अ फैक्टर बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस थ्री। अब इसमें साइन भी चेंज नहीं होगी क्योंकि प्लस लगा हुआ है मिडिल टर्म में, तो साइन भी चेंज नहीं होगी। अब देखो एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री दोनों साइड कॉमन है, तो अब क्या करें हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, देयर फॉर इट इज नथिंग बट एक्स प्लस थ्री इंटू 2x प्लस 1। तो इस टाइप से आपको बनता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक। नोट डाउन करके ही आगे बढ़ना, नोट डाउन बिना किए आगे नहीं बढ़ना आप लोग। तो इसका भी नोट, इसका भी आंसर नोट डाउन कर लो। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैं एक बार इसका लास्ट भी आपको बता देता हूँ, या तो एक काम करते हैं इसका थर्ड बता देता हूँ, लास्ट होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो थर्ड भी बना लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कराता। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 6x² राइट प्लस 5x - 6, ठीक। इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, चलो देखो अगेन स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। पहले स्टेप में, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप आप लिख रहे हो, इसको एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सीधा चालू कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में आ जा रही हैं पहले से, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट में हम लीडिंग कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट से, तो ये मल्टीप्लाई करो ज़रा, 6 × 6, तो ये हो गया आपका 36, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, लीडिंग कोफिशियंट इंटू कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई आ गया 36। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, इस 36 के फैक्टर निकालना है। तो बताओ 36 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, तो एक तो हमको मालूम है 6 6 36, दूसरा एक और हमको मालूम है इजिली जो कि है 4 9 36 या 9 4 36। बाकी बहुत सारे अगर 2 की टेबल से भी निकालेंगे तो 2 मेरे ख्याल से आएगा 2 18 36, ठीक है। 36 के 3 के टेबल में भी आएगा कि 3 × 12, तो 3 12 ऑल्सो 36। तो इस टाइप से बहुत सारे आ सकते हैं। हमारा मेन मोटो है मिडिल टर्म, कि भाई मिडिल टर्म आने वाला फैक्टर कौन सा होगा। तो अब देखो थर्ड स्टेप में आप पहले मिडिल टर्म को लिख लो। थर्ड स्टेप में मिडिल टर्म, देखो मिडिल टर्म आपका दिया हुआ है +5x। अब +5x आपको किस फैक्टर के हेल्प से मिल सकता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो +5x आपको इस फैक्टर से मिलेगा, क्योंकि 9 में से अगर 4 को माइनस करते हैं हम, तो हमको 5 मिलता है, और ऑब्वियसली यहाँ पर +5 है, तो मैं क्या फैक्टर सेलेक्ट करूँगा, 9x - 4x, क्योंकि 9x - 4x इज नथिंग बट +5x। तो हम ये वाला फैक्टर चूज़ करेंगे और इसको चूज करके फिर मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। बताओ क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, ये लिखेंगे आप +9x - 4x - 6, राइट। तो क्या हो जाएगा बताओ, अब अगेन ये दोनों में कॉमन लेंगे, 6x² + 9x में क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 कितने 6, 3 2 6, x² में से x गया, यहाँ बचा x प्लस अगेन 9, तो किससे कैंसिल होगा, 3 3 9, ठीक, और x तो ले चुके हैं, तो ये बचा 2x + 3। ये मिडिल वाली जो साइन है ये एज इट इज यहाँ पर आप पुट करोगे, मिडिल वाली साइन एज इट इज यहाँ पर लिखने के बाद, अब देखो इन दोनों टर्म में 4x और -6 में क्या कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन है, क्योंकि अब यहाँ साइन है माइनस की, तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले देखो क्या बचेगा, 4 कितने 2, तो अगेन 2 2 4, 2 कितने 4 सॉरी, तो 2 2 4, यहाँ बचा x,
अगेन देखो ये वाला जो माइनस है, आपने जो यहाँ पर बाहर माइनस लगा हुआ था पहले से, तो माइनस लगता है तो माइनस मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 2x हो गया। अगेन ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 2 गया, डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो ये आ गया 2x+3, राइट। अब ये 2x+3 और 2x+3 को आप कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 2x+3, तो इधर बचेगा 3x-2, सो डेट मस्ट बी योर आंसर। ठीक, तो होपफुली आप लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, डेट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है बेटा, उसके लिए पर्टिकुलरली एक पूरी क्लास लगेगी हमको सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग के लिए मैं अभी फ़िलहाल आज एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट है, तो अगेन दिस इज़ अ होमवर्क। और उन स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स को ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में डाउट है, तो बेटा रिफ़र योर क्लास 8th नोटबुक। अगर क्लास 8th की बुक या नोटबुक आपके पास क्लास की होगी, तो वहाँ पर मैंने आपको सॉल्व कराया था, दो एक्सरसाइजे अराउंड 40+ क्वेश्चंस हमने क्लास में ही किए थे, अराउंड 40+ क्वेश्चंस आपके नोटबुक में, नोटबुक में तो 60+ क्वेश्चन सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के होंगे। तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है कॉर्डोवा की बुक में क्लास 8th में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक बार ज़रूर गो थ्रू करना, फैक्टराइजेशन चैप्टर में होगा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो वहाँ से आप लोग एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। मेथड तो ऑलरेडी मैंने एक बार समझा दिया है, तो आप वहाँ से एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 9th में NCERT में क्वेश्चंस बहुत कम है, यहाँ 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, जबकि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से 10-12 क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, फिर हम फिर क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करेंगे। तो ठीक है, इतना करके रखना, आपकी क्लास के बीच में गैप है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं 5th क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो 5th कराने से पहले हर एक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए अच्छे से, तब ये समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।